रीकी हीलिंग में मुझसे क्या गलती हुई? इतने सालों तक हीलर रहने के बाद, हीलिंग से जुड़ने के बाद, उसकी ऊर्जाओं को समझने के बाद भी मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये गलती आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और आप लोग भी अगर इस गलती को जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप इसको नहीं करें तो आप भी ये वीडियो ज़रूर देखें। पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो बताई थी इस बारे में कि मैं जब मेडिटेशन रेगुलर नहीं कर पा रही थी तो मुझसे गलती हुई थी, उसकी वजह से मैं बीमार पड़ी थी, मुझे बुखार हुआ था। और अभी जो मैंने गलती करी उसकी वजह से भी मैं काफ़ी हद तक परेशान रही, वही गलती मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप भी एक अच्छे हीलर बने और दूसरों की गलतियों से सीखने वाले बन सकें। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर, बहुत सारे इन सब की जानकारी आप लोगों को देती हूँ और बताने की कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें मुझे आती हैं वो आप जाने और जो गलतियाँ मैंने करी वो कम से कम आप नहीं करें। देखिए, मैं हमेशा रेकी हीलिंग की बात करती हूँ आप लोगों से कि आप सब सीखें, और रेकी हीलिंग से तो मैं जुड़ी हूँ। मैंने तो जिस दिन से सीखी है रेकी हीलिंग तब से रेगुलर आज तक नहीं हुआ है कि मैंने हीलिंग नहीं करी, क्योंकि मैंने सीखी सीधे ही ग्रैंड मास्टरशिप करी और उसके बाद क्लाइंट्स लेने शुरू किए और रेगुलर इतने सालों से कर ही रही हूँ रेकी हीलिंग। लोग भी ठीक हो रहे हैं, मैं भी ठीक हो रही हूँ, दृष्टिकोण औरों का भी बदल रहा है, मेरा भी बदल रहा है, मैं भी सीख रही हूँ। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस ही ना हमें डुबा देता है। जैसे मेडिटेशन मैं रेगुलर नहीं कर पा रही थी, 3-4 दिन रुक के कर ली मैंने या फिर करी, उसकी वजह से मैं बीमार हो गई। सिर्फ एक महीना मैंने ऐसा किया था, लेकिन ये गलती मैंने इससे थोड़ा ज़्यादा की है। अब क्या है कि अब जब मैं इतने सालों से रेकी कर रही हूँ तो मुझे लगा कि शायद मैं इस लेवल पे आ गई कि मुझे अपने सातों चक्रों को हाथ से हील नहीं करना है। अगर मैं हाथ से हील करती हूँ तो मैं ऐसे नॉर्मल एज्यूम करके कर सकती हूँ, तो मुझे लगा कि वो चीज़ भी हो सकती है। क्योंकि बाकी हीलर्स कहते हैं कि आप क्यों इतनी देर तक अपनी हीलिंग करते हो, अब क्या ज़रूरत है आपको, आप तो ग्रैंड मास्टर हो, अपने ऊपर इतना टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं, क्यों आप 21 मिनट देते हो। मुझे भी लगा कोई नहीं देता, मैं ही लगी रहती हूँ, कहीं भी जाऊँ मुझे खुद के लिए 21 मिनट निकालने पड़ते हैं, मेडिटेशन करनी पड़ती है, घूमना फिरना उसके बीच में ये सब भी करना, एडजस्ट करना, मुझे भी दिक्कत होती है। मुझे भी लगा बढ़िया, मैं भी नहीं करती, मैं भी वैसे जैसे मैं बाकियों की हील कर रही हूँ वैसे ही अपनी भी हील कर लेती हूँ। खुद को अपने ऑरे के पास लाकर अपने हाथों से जैसे मैं हील करती हूँ अलग अलग अपने चक्रों को, इस तरीके से जैसे हम करते हैं ना जब हम चक्रों को हील करते हैं, तो ऐसे बीच में मैं पिरामिड से हील करती हूँ, बिना पिरामिड के नहीं करती हूँ। पिरामिड के बारे में बाद में बताऊँगी, अभी सिर्फ मैं अपनी गलती के बारे में बताऊँगी। तो मुझे लगा जैसे मैं बाकियों की करती हूँ वैसे ही अपनी भी कर लेती हूँ, मुझे स्पेशल बैठ के 21 मिनट ही देने हैं। हाँ, बाकियों की हीलिंग में भी टाइम देना पड़ता है, लेकिन उनको तो मैं टच नहीं करती ना, जब उनकी हीलिंग ऐसे हो सकती है तो खुद की भी हो जाएगी। लेकिन ये मैं गलत सोच रही थी, मैंने काफ़ी टाइम तक नहीं की खुद की हीलिंग, फिर मुझे समझ भी नहीं आया कि मैं क्यों परेशान हूँ। हाँ, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि शारीरिक प्रॉब्लम हुई हो, हाँ मानसिक ज़रूर मैं काफ़ी अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही थी और समझ नहीं पाई। लेकिन फिर इंसिडेंट हुआ कि मैंने किसी को कहा कि आप डेली हीलिंग कीजिए, किसी ने सजेशन मांगी कि हम भी काफ़ी टाइम से परेशान हैं, और उसने हीलिंग अपनी शुरू की, और वो साथ जब मैंने उनकी अट्यूनमेंट करी दोबारा से, फिर मैंने उस दिन से अपनी भी शुरू कर दी। जब मैंने अपनी हीलिंग शुरू की तो मुझे लगा अरे मैं तो उस मोड से 4-5 दिन में बाहर आ गई, तो क्यों ना वो चीज़ मैं लोगों के साथ भी शेयर करूँ। देखिए, जब आप अपनी हीलिंग यूं ही कर लेते हैं और जब आप अपनी हीलिंग अपने चक्रों को अपने खुद को ऐसे टच करके करते हैं तो उसका असर कुछ और ही। जीवन में हम हमेशा सीखते ही रहते हैं, अपनी गलतियों से सीखते ही रहते हैं, और गलतियाँ हम सब करते हैं। अपनी गलतियों को हम छुपा लें तो कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे ही मुझसे भी गलती हुई। रेकी हीलिंग में जब तक आप अपने आप को अपने चक्रों को प्रॉपर खुद से बैलेंस नहीं करें, वो फील आप नहीं ले सकते जो कि आप दूर से अपनी हीलिंग बाकियों की कर रहे हैं वैसी करेंगे तो आप हील ले सकते हैं। देखिए, इस चीज़ को आप समझिए, मैं खुद नहीं समझ रही थी, मुझे लग रहा था कि शायद मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत देर तक
औरों की भी हीलिंग करती थी, अपनी भी करती थी, अभी भी करती हूँ, प्रॉपर टाइम देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं सोचती रहती हूँ कि मैं क्या करूँ अगर मैं किसी की हीलिंग कर रही हूँ या अपनी हीलिंग कर रही हूँ। लेकिन मेडिटेशन मैंने अपनी बढ़ाई, हालांकि मैं पहले एक घंटा कर रही थी, अभी और मेडिटेशन भी करी और कुछ और जॉब भी शुरू करी कि किस तरीके से मैं अपने ऑरे को स्ट्रॉन्ग करूँ। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है व्यक्ति से। वैसे ही मुझे लगा कि अब शायद मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैंने अपनी पूजा बढ़ा दी, मेरा ऑरा इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि मैं उन एनर्जी से अपने आप को बचा सकूँ, जो कि मैं दूसरों की हील करें उस नेगेटिविटी से अपने आप को बचा सकूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम अगर किसी की हील कर रहे हैं और अपने आप को हम पूरी तरीके से एनर्जाइज नहीं कर रहे, तो वो नेगेटिविटी हम पे ज़रूर हिट करती ही है। वैसा ही हुआ, मैं भी थोड़ी सी परेशान हुई, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं वो सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर सहायता कर देता है। जहाँ हम दूसरों लोगों की सहायता वाला काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ मुझे भी कहीं ना कहीं हेल्प हो गई, रेकी की हेल्प हो गई, या ये कह लो कि मुझे वहीं से ही गाइडेंस मिल गई। लेकिन ये चीज़ मैंने सीखी। पहले मुझे लग रहा था मैं ही क्यों इतना टाइम लगा रही हूँ, हर एक तो नहीं कर रहा, मैं ही क्यों कर रही हूँ, हर एक तो ये चीज़ें नहीं कर रहा। लेकिन मुझे लगा कि हाँ, मुझे टाइम लगाना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं लगाऊंगी टाइम तो मुझे बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला। जैसे कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। जब तक आप अपने चक्रों की ऐसे आराम से बैठ के हीलिंग नहीं करेंगे, उसके एनर्जीज को आप फील नहीं करेंगे, तब तक आप पूरी तरीके से महसूस नहीं कर पाएंगे। अगर आपने रेकी सीखी है, आप कुछ भी करें, कैसे भी हील करें, आप कुछ कुछ दिनों बाद, कम से कम 21 दिन तक लगातार अपनी क्लीनिंग ज़रूर करिए रेगुलर, अपने चक्रों को इस तरीके से। अपने ऊर्जा के साथ आपको अपने ऑरे के साथ कनेक्ट होना है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ज़रूर है कि टच करें। आप अगर अपने इंटरनल ऑरे के साथ भी टच करेंगे ना, थोड़ी दूरी पे रख के आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप टच करो। लेकिन क्या है कि हम लोग तो फिर खुद को हील करते हैं तो टच कर ही लेते हैं ना, ऐसी दूरी पे तो नहीं रखेंगे, रख सकते हैं, सेम ही इफेक्ट आएगा। लेकिन खुद की अपने सामने डेली की हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, आप दूसरों को सही प्रकार से कैसे हील कर पाओगे, और सही तरीके से आप अपने अंदर उन ऊर्जाओं को कैसे एब्जॉर्व कर सकोगे, कैसे ग्रहण कर सकोगे। क्योंकि जब आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उन ऊर्जाओं को ग्रहण कर रहे हैं अपने अंदर। किसी और की तो आप क्या कर रहे हैं, वातावरण से लेके उनको ही दे रहे हैं, लेकिन अपनी तो आप अपने अंदर डाल रहे हैं ना। किसी इलाज के लिए कर रहे हैं अपनी, आप अपने बैलेंसिंग के लिए भी कर रहे हैं, इलाज के लिए भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए कर रहे हैं। तो जब भी आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल अपनी आराम से बैठ के 21 मिनट प्रॉपर हीलिंग ज़रूर कीजिए। और वो गलती जो मैंने करी और उसकी वजह से मुझे मानसिक परेशानी हुई, बिल्कुल भी आप नहीं कीजिए। आप अपनी रेगुलर हीलिंग अपने आप को टाइम देके कीजिए, जो बहुत ज़रूरी है और जिसका महत्व इतना है ना कि वो 21 मिनट अगर हम गंवा देते हैं ना, तो हमारे 21 घंटे खराब हो जाते हैं। मानसिक जो परेशानी होती है ना, इंसान को ज़्यादा तोड़ती है शारीरिक परेशानियों से, ये आप समझिए। ये चीज़ तो मैंने महसूस कर ली इतने दिनों, अब जाके मुझे जब मैंने शुरू की, 4-5 दिन के बाद मुझे रिलीफ आया, तो मुझे लगा पहले मैं अपनी डिस्कस करूँ ये जो प्रॉब्लम है आप सबके साथ, ताकि अगर आप लोग ये गलती कर रहे होंगे ना, तो फटाफट आप अपनी हीलिंग शुरू करेंगे। जब शुरू करें कम से कम 21 दिन का पूरा साइकिल तो करिए, फिर चाय बंद कर दें, फिर जब आपको दोबारा लगे फिर करें। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, अगर हम रेकी ही नहीं करते हैं और जोड़ते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत सारी ऐसी ही बातें रेकी हीलिंग की मैं लेकर के आऊँगी आपके लिए। मैं रमा जोशी, नमस्कार।